water plants and grass early in the morning so that the water gets absorbed before the sun evaporates it. अब जो हमारे plants और grasses होते हैं उनको हमें early morning में ही पानी दे देना चाहिए ताकि वो absorb कर ले, ना कि जब धूप आए और पानी evaporate हो जाए. Watering by hand saves a lot of water as against using a hose. अगर हम उसको अपने हाथ से पानी दें, यानी कि बकेट या किसी चीज़ का मग का यूज़ करके अगर हम पानी दें तो उससे पानी ज़्यादा बचता है अगर हम यूज़ करें पाइप इंस्टेड ऑफ पाइप. नेक्स्ट है, ट्राई नॉट टू थ्रो अवे यूज्ड और एक्स्ट्रा वाटर डाउन द ड्रेन इफ़ इट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पज. एग्जाम्पल, यू कुड यूज़ वाटर रिमेनिंग इन योर वाटर बॉटल टू वाटर द प्लांट्स. अब जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर बचता है तो हम उसको फेंकें ना या उसको ऐसे बहाएं ना, बल्कि हम उसे किसी और काम के लिए यूज़ कर ले. जैसे कि अगर हमारी बॉटल में पानी बच जाए तो हम उससे प्लांट्स को पानी दे दें. नेक्स्ट आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे कैसे स्टोर कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ्स और अ सरफेस कैचमेंट इज कॉल्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अब वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारी रूफ पर जो रेन का वाटर आ रहा है उसको कलेक्ट करे और उसको स्टोर करे, उसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Storing rainwater that collects on roofs instead of letting it go down the drain is a practical solution in case of droughts. अब जिन जगहों पर usually droughts आती हैं या drought से बचने के लिए हम ये काम कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा solution है कि जो हमारा rain water है हम उसको collect करें और store कर लें ताकि जब drought का जब वहाँ पर drought आए या कुछ हो तो हम उस पानी को use कर सकें. उससे मतलब कि उसको बहने से अच्छा है कि हम उसे स्टोर कर ले. दिस टेक्निक इज़ नोन एज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रूफ टॉप यानी कि जो पानी हमारा रूफ टॉप पर गिर रहा है उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोर कर लेना. दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स इन डग आउट पॉन्ड्स वेसल्स और अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स. अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारा रेन वाटर है उसको कलेक्ट करें, जैसे कि या तो हम उसको उसका कनेक्शन ऐसे बनाए कि वो पानी बहता हुआ सीधा या तो किसी पॉन्ड में चला जाए या फिर हम उसको किसी वेसल में कलेक्ट कर ले या अंडरग्राउंड हम कोई टैंक क्रिएट कर ले तो उसके अंदर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं लंबे पीरियड के लिए. अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर. दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारा जो पानी है हम उसको अलाउ करें कि वो डायरेक्टली ग्राउंड में चला जाए जो हमारा रोड साइड ड्रेन्स के पास होता है, जो हमारा रोड रेन वाटर को कलेक्ट करता है. द स्टोर्ड रेन वाटर इज ट्रीटेड बिफोर यूज़ बिकॉज इट मे कंटेन बर्ड फीसेस chemicals and other pollutants which need to be removed before use. अब जो रेन वाटर हमने कलेक्ट करा है उसको यूज़ करने से पहले फ़िल्टर करना यानी कि उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर बर्ड की फीसेज हो सकते हैं, यानी कि उनका जो फीकल मैटर होता है वो हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है या कोई भी दूसरा पॉल्यूशन का कोई भी कण हो सकता है. प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन. अब हम वाटर पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. Another method of to conserve water is to safeguard our fresh water bodies from pollution. अब कोई दूसरा method जिससे हम पानी को conserve कर सकें और बचा सकें वो क्या है, हमारी fresh bodies को pollution से वो क्या क्या हो सकता है. Garbage and harmful chemicals pollute the water and make it unfit for use. अब जो कूड़ा होता है, गारबेज होता है और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो हमारे पानी को दूषित करते हैं, यानी कि उनको सेफ नहीं रखते कि हम उन्हें यूज़ कर पाएँ. पॉल्यूटेड वाटर इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर एक्वेटिक लाइफ. अब जो पॉल्यूटेड वाटर है जिसके अंदर केमिकल्स हैं या अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, उससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है यानी कि जो मछलियाँ होती हैं या जो भी समुद्री जीव होते हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एंड अराउंड पॉल्यूटेड वाटर मे डाई और गेट इन्फेक्टेड. अब जो प्लांट्स यानी कि जो पेड़ पौधे या जो जानवर हमारे उस पॉल्यूटेड वाटर के पास रह रहे हैं तो उससे वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं या उससे उनकी भी जान जा सकती है. एंड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स
कंज्यूम द कंटेमिनेटेड फिश, और जब ह्यूमन बींग्स यानी कि जब हम लोग उस कंटेमिनेटेड या उस अफेक्टेड फिश को कंज्यूम कर ले, खा ले, तो दे ऑल्सो पुट एट अ रिस्क ऑफ डिजीजेस, तो उससे ह्यूमन बींग्स को भी डिजीजेस का रिस्क हो जाता है।